नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरके जोगिया ब्लॉग्स में स्वागत है। मैं रोशन कुमार, आज मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ संत मंत अनुयायी आश्रम गुरुदेव नगर मिर्जापुर। दोस्तों, मैं यहाँ आप लोगों को मेले की तैयारी हो रही है इसका मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ। यह गेट का नज़ारा है दोस्तों, आप लोग इस तरफ देख सकते हैं जो कि मिर्जापुर मढ़ियान से होते हुए और इस तरफ घोरावल सोनभद्र से होते हुए यहाँ पर रास्ता आया है। दोस्तों, यह गेट का नज़ारा है, आप लोग इस वीडियो में बने रहें, आप लोगों को मैं इस आश्रम का पूरा नज़ारा दिखाने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है गेट पर संत मंत अनुयायी आश्रम श्री गुरुदेव नगर, दोस्तों जो कि कलवारी में पड़ता है। तो आइए आप लोग इस वीडियो में बने रहें, आप लोगों को ले चलते हैं इस आश्रम के अंदर, सारा आप लोगों को खूबसूरत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जाने के लिए रास्ता कुछ इस तरह है दोस्तों, यहाँ पे जो कि मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी की गई है और यहाँ से गेट का नज़ारा चालू हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से हर साल नागपंचमी के दिन मेला लगता है और बहुत दूर दूर से लोग मेले को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बाबा जी इस आश्रम पर दोस्तों जो कि झूला झूलते हैं और सभी लोग बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं जो कि आश्रम यहां पे दिखाई दे रहा है, और मेले की तैयारी आप लोग देख सकते हैं हो रही है जो कि बहुत धूमधाम से यहां पे भीड़ लगना चालू हो चुका है, जो कि इस मेले में भाग लेने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं मेला को देखने के लिए और झूला को देखने के लिए। दोस्तों, यहाँ के गुरु महाराज जी दोस्तों हर साल झूला को झूलते हैं, आप लोग देख सकते हैं झूलों की तैयारी हो रही है। दोस्तों, जो कि झूला को इस समय सजाया जा रहा है और यह आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जो कि पंखा किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कूलर पंखा लाइट बत्ती सभी प्रकार की यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। दोस्तों, और आप लोग देख सकते हैं सामने जो कि इस झूले को सजाया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों सजने के बाद, अभी इस समय सजाया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें, आप लोगों को मेले का आगे वाले नई वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ के झूले का नज़ारा। दोस्तों, जो कि यहाँ के गुरुदेव महाराज जी किस तरह से झूले को झूलते हैं और कैसा दिखते हैं दोस्तों, आप लोगों को आने वाली नई वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और सारी चीज़ें उस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं जो कि चारों तरफ लोग बैठना चालू हो चुके हैं गुरु जी के आस में दोस्तों, कि जो लोग गुरु जी झूला झूलेंगे तो देखेंगे। दोस्तों, और मैं इस वीडियो में बने रहें, मैं आप लोगों को और सारा जानकारी देने वाला हूं दोस्तों आगे की वीडियो में, और सारा चीज़ दिखाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, आप लोगों को ले चलते हैं दोस्तों जो कि आश्रम के कुछ अगले भाग में। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर गुरु जी महाराज जी का यहाँ पर प्रतिमा लगाया गया है और माला चढ़ाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग सामने देख सकते हैं यह अंदर का नज़ारा है। हर साल नागपंचमी के दिन दोस्तों यहाँ पे बहुत ही भयानक मेला लगता है, जो कि इस समय तैयारी चल रही है मेले का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि नई से नई वीडियो का अपडेट आपके पास पहुँचे और आप वीडियो देख सकें। दोस्तों, इस चैनल पर आप लोग बने रहें, आने वाली नई वीडियो में आप लोग इस मेले का पूरा नज़ारा देख सकेंगे। दोस्तों, इस समय मेला का तैयारी हो रहा है, मैं उसका वीडियो दिखा रहा हूं। दोस्तों, आगे इस वीडियो में बने रहें, मैं आश्रम के पर ले चलता हूं किस तरह से आश्रम को सजाया जा रहा है और गुरुदेव महाराज जी किस गेट से आते हैं, कैसे जाते हैं, मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, इस तरफ आप लोग देख सकते हैं जो कि यह पूरा ग्राउंड है और चारों तरफ मकान है दोस्तों, जो कि इसमें रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं व खाने के लिए की गई है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस आज मेले के दिन दोस्तों बहुत ही भंडारा लगता है और खाने को भी मिलता है दोस्तों, जो कि कोई दोस्तों फाइनली मैं इस आश्रम पर आ चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं वाकई में कितना ही खूबसूरत इसको तरीके से सजाया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें, मैं इस आश्रम का भी वीडियो दिखाऊंगा। दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं, इस गेट का नज़ारा दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं सामने किस तरह से कितना ही सुंदर इसको सजाया गया है। दोस्तों, गुरु महाराज जी इसी गेट से होकर के जाएंगे, झूला को झूलेंगे,
आने वाली नई वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि गुरु महाराज जी किस तरह से कैसे जाएंगे, झूला को झूलेंगे। तो ये इस वीडियो में बने रहें, आप लोगों को ले चलते हैं इस आश्रम के अंदर। दोस्तों, गुरु महाराज जी शाम 7 बजे के लगभग समय झूला को झूलते हैं और दिन में मेले की तैयारी होती है। और दोस्तों, यहाँ पे लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लाइट बत्ती और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। दोस्तों यहाँ का मेला गुरुदेव नगर मिर्ज़ापुर दोस्तों, जो कि रात को लगता है मेला, शाम 7 बजे गुरु महाराज जी आते हैं और झूला को झूलते हैं, बहुत ही आनंद आता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सामने यह आश्रम का कुछ इस तरह से नज़ारा है। यह आश्रम दोस्तों बहुत ही बड़ा है, 5 तल्ला है। दोस्तों इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं सामने बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर बने रहें दोस्तों, आप लोगों को आने वाली नई वीडियो में इस मेले का आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाया जाएगा कि गुरु महाराज जी किस तरह से झूला को झूलते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों तो आइए मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।